मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। अरे मेरे भाई, हम हिंदू हैं और सारे हिंदू आम आदमी पार्टी को जीता कर लाने वाले हैं। खुद मुसलमान हो गए ना, श्री राम को मानता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक जब मुसलमान जय श्री राम बोलता है तो मोदी जी आप समझ जाओ ये धर्म की राजनीति छोड़ दो, नहीं तो बहुत पछताने का नंबर आएगा। बकवास है, मैं फौज में नौकरी करके आया हूँ। हमने सर्जिकल स्ट्राइक कई बार करी है और ये सब चीजें बताने की नहीं होती है कि हमने ये करा वो करा। ये भाई साहब उसका भी मार्केटिंग करके आया है, ठीक है। तो हमें तो लगता है ना, इन्होंने फौज को भी बेच दिया, ठीक है, इन्होंने फौज को भी बेच दिया। चाणक्य मत बोलिए, उनको शकुनी मामा बोलिए, वो चाणक्य के लायक नहीं है, ठीक है। चाणक्य बहुत बड़ी बड़ी हस्ती थी और ये जो है ना शकुनी मामा है। हिंदू के राम के नाम पे वोट मांग रहे, विकास के नाम पे वोट नहीं मांगा अब तक। सौराष्ट्र में जो द्वारिका मंदिर है, वो द्वारिका मंदिर का पुजारी हूँ। और हिंदू धर्म का ठेका भाजपा ने नहीं लिया, हिंदू धर्म का ठेका पूरे हिंदुस्तान ने लिया हुआ है। आप बताओ मुझे कि क्या विकास किया है 27 सालों में? क्या विकास? रोड रस्ते का विकास किया है, पढ़ा शिक्षण का विकास किया है। मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। अरे मेरे भाई, हम हिंदू है और सारे हिंदू आम आदमी पार्टी को जीता कर लाने वाले हैं। खुद मुसलमान हो गए ना, श्री राम को मानता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक जब मुसलमान जय श्री राम बोलता है तो मोदी जी आप समझ जाओ ये धर्म की राजनीति छोड़ दो, नहीं तो बहुत पछताने का नंबर आएगा। बकवास है, मैं फौज में नौकरी करके आया हूँ। हमने सर्जिकल स्ट्राइक कई बार करी है और ये सब चीजें बताने की नहीं होती है कि हमने ये करा वो करा। ये भाई साहब उसका भी मार्केटिंग करके आया है, ठीक है। तो हमें तो लगता है ना, इन्होंने फौज को भी बेच दिया, ठीक है, इन्होंने फौज को भी बेच दिया। चाणक्य मत बोलिए, उनको शकुनी मामा बोलिए, वो चाणक्य के लायक नहीं है, ठीक है। चाणक्य बहुत बड़ी बड़ी हस्ती थी और ये जो है ना शकुनी मामा है। हिंदू के राम के नाम पे वोट मांग रहे, विकास के नाम पे वोट नहीं मांगा अब तक। सौराष्ट्र में जो द्वारिका मंदिर है, वो द्वारिका मंदिर का पुजारी हूँ। और हिंदू धर्म का ठेका भाजपा ने नहीं लिया, हिंदू धर्म का ठेका पूरे हिंदुस्तान ने लिया हुआ है। आप बताओ मुझे कि क्या विकास किया है 27 सालों में? क्या विकास? रोड रस्ते का विकास किया है, पढ़ा शिक्षण का विकास किया है। दिल्ली में विकास बताओ, दिल्ली में विकास बताओ, अरे दिल्ली में विकास बताओ, दिल्ली में विकास बताओ। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं निशा झा इस वक्त गुजरात के वडोदरा जिले में मौजूद हूँ। मेरे आस पास देख सकते हैं भारी तादाद में जनता मौजूद है। इनसे बात गए, अच्छा ये लोग जो अंधभक्त है वो उनको कह रहे हैं कि विकास किया हुआ है। आप बताओ मुझे कि क्या विकास किया है 27 सालों में? क्या विकास? रोड रस्ते का विकास किया है, पढ़ा शिक्षण का विकास किया है। कहाँ किया? दिल्ली में विकास बताओ, दिल्ली में विकास बताओ, अरे दिल्ली में विकास बताओ, दिल्ली में विकास बताओ। जय श्री राम। मुझे दिख रहा है कि भाजपा की कुर्सी हिलने वाली है, इनकी सत्ता जाने वाली है। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो इसलिए हिंदू मुस्लिम के नाम उसके लिए। और हाँ, विकास कुछ किया नहीं है उन्होंने। हमारे केजरीवाल सर जो है, आप जाओ दिल्ली का मॉडल देखो, उन्होंने शिक्षण फ्री में दिया है, उन्होंने आरोग्य, ये सब जरूरत नहीं पड़ती। अगर 27 साल में विकास किया होता तो इनको ये जरूरत ही नहीं पड़ती। आज इतने निम्न कक्षा पे ये लोग आ गए हैं, उतर गए हैं, क्या पूछूंगा। हिंदुत्व के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे ये चुटनी लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन इस बार जनता भाजपा सरकार हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। हिंदू मुस्लिम जनता जाग गई, जनता को गैर मार के ले जाने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा सरकार। हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। डर है भाजपा को हारने का डर है, इसलिए एक कांग्रेस और भाजपा मिलके आम आदमी पार्टी को आगे आने की कोशिश नहीं करने देते। ये भाजपा और ये कांग्रेस हिंदू मुस्लिम वाला करती है। देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं, इसके पहले के 27 साल आप देख लो, 27 साल में बीजेपी को हिंदू मुस्लिम के मुद्दे के अलावा और कोई मुद्दा नहीं उठाया। अभी मुद्दा उनको पता है कि इस बार केजरीवाल गुजरात में जीत रहे हैं, इसीलिए तो लगता है 27 साल से भाजपा राज कर रही, उसको हरा पाएंगे अरविंद केजरीवाल। पक्का हराएंगे इस बार केजरीवाल, एक बार केजरीवाल, इस बार केजरीवाल, आम आदमी पार्टी पक्का। ये डर गई है भाजपा, डर गई आम आदमी पार्टी से। अगर इन्होंने कुछ भी यहाँ की जनता के लिए काम किया होता तो इनको इस तरह से प्रोपरगंडा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
इनको कोई प्रोपेगेंडा करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इनको अपने पे भरोसा होते तो आम आदमी पार्टी का विरोध नहीं करते। उनको अपने पे भरोसा उठ गया है, हम हारने वाले। भाजपा को भरोसा हो गया, हम हारने वाले। क्या बीजेपी वाले डर गए? क्या आम आदमी बीजेपी वाले डर गए? हम आम आदमी पार्टी से डर गए? ताकत बीजेपी की ताकत हिल गई है। वो धर्म के नाम पे लड़ रहे। अगर चुनाव लड़ना है, अगर देश का चुनाव लड़ना है तो एक साथ सामने खड़े रह के लड़ने का है। ये लोग उसको धार्मिक रूप में ले जा रहे। हम लोग भी हिंदू है, हम लोग भी ब्रह्मा विष्णु महेश सबको मान रहे, लेकिन हम केजरीवाल के विचार से और विचारधारा जो एजुकेशन और आरोग्य है उसको महत्व देते हैं, उसके हिसाब से देश का विकास हो सकता है। एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, के सर्वे धर्म को लेकर चलने वाली है। भाजपा ने अब तक हिंदू मुस्लिम किया है, कांग्रेस ने वही किया है। डर गए के बारे में मत बता रहा हूँ। हाँ, मैं SECL का अध्यक्ष हूँ और जो हमारे दिल्ली के मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम जी के बारे में बताया गया कि उन्होंने बोला कि हूँ ब्रह्मा विष्णु महेश राम और कृष्ण ने ईश्वर मानिस नहीं, तो वो ऐसी बात नहीं है। वो बौद्धिस्ट है और बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञाएं बौद्ध धर्म की है उसमें एक प्रतिज्ञा ऐसी है कि मैं हिंदू धर्म को अपनाऊंगा नहीं, क्योंकि बौद्धिस्ट हिंदू नहीं है। तो उनका जब मोदी हाँ, तो वो मोदी जी को सोचना चाहिए और उनके जो भक्त यहाँ पर आ गए हैं अंधभक्त, उन लोगों को समझना चाहिए कि ये गलत है। बाबा साहेब ने संविधान का अधिकार सबको दिया है। और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जो भी काम करता है संविधान के हिसाब से काम करता है, कोई बेईमानी नहीं करता। हमारी पार्टी एक ईमानदार कट्टरवादी ईमानदार पार्टी है। हम हर धर्म को सरकार मानते हैं, हमारे लिए हर धर्म सरकार है। हम लोगों ने कोई भी हिंदू और मुस्लिम के नाम पे कोई वोट नहीं करा है। ये जो पब्लिक आ रही है अपने दिल से आ रही है और केजरीवाल को एक्सेप्ट कर रही है। एक सवाल ये कि भाजपा का गढ़ माना जाता है गुजरात, तो आसानी से कैसे हरा पाएंगे? इसीलिए तो भाजपा डरती है, इसीलिए तो भाजपा वाराणसी और वडोदरा गढ़ है, इसीलिए भाजपा डरती है, इसीलिए। एक मिनट, मैं मेरा परिचय दे दूं। मैं वडोदरा लोकसभा का अध्यक्ष हूं और यहां का सौराष्ट्र में जो द्वारिका मंदिर है वो द्वारिका मंदिर का पुजारी हूं। मैं गुगड़ी ब्राह्मण हूं। मैं आम आदमी पार्टी की विचारधारा जो लोगों को बिजली मफत देने वाली बात करती है, आपके हमारे बच्चों के एजुकेशन रिगार्डिंग बात करती है, पुजारी है और हाँ जी कह रही है कि आम आदमी पार्टी हिंदू विरोधी, आप एक पुजारी होकर क्या मानते हैं? मैं मानता हूँ कि अगर इनका अध्यक्ष किसी भाई बहन का मैरिज करवा देता है जो कृष्ण भगवान और सुभद्रा जी की मैरिज की बात करता है तब ये हिंदू कहाँ जाते हैं? जब रामायण महाभारत मिक्स कर देते हैं तब कहाँ जाता है? तब इनको हिंदू कहा जाता है? माता को पत्नी बना दिया जाता है किसी के, तब ये धर्म कहा जाता है? अब ये होर्डिंग भाजपा वालों को उनके अध्यक्ष के विरुद्ध में लगाना चाहिए कि कृष्ण भगवान और उनकी बहन का मैरिज गिनाते हैं। यहाँ पर ये भाजपा है और हिंदू धर्म का ठेका भाजपा ने नहीं लिया, हिंदू धर्म का ठेका पूरे हिंदुस्तान ने लिया हुआ है। अगर कांग्रेस का वजूद बढ़ गया तो कांग्रेस मुस्लिम पार्टी हो गई, आम आदमी पार्टी का वजूद हो गया तो आम आदमी पार्टी मुस्लिम पार्टी हो गई। अरे मेरे भाई, हम हिंदू हैं और सारे हिंदू आम आदमी पार्टी को जिता कर लाने वाले हैं। आरोप भी लग रहे हैं आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं सेंध मार रही है, भाजपा को फायदा मिल रहा है? कांग्रेस तो है ही नहीं भाई बहन, कांग्रेस यहाँ पर है, कांग्रेस और भाजपा भाई बहन है, सेटिंग है। अभी देखो गुजरात के अंदर मैडम 77 सीट कांग्रेस की थी लास्ट इलेक्शन में 70 में, हाँ तो अभी हो गई 50, तो बाकी के गए उनके गोद में बैठ गए पैसे ले लेकर, और वो पैसा है किसका? पब्लिक का, टैक्स का पैसा है। वो खरीदने के लिए पैसा आता कहाँ से? वो पैसे से ये लोग खरीदते हैं और विकास दिखा रहे हैं ये लोग, रोड रास्ता, मगर लोगों के घर में जेब में पैसा नहीं है आज। वो लोग सुसाइड कर रहे हैं लोग। ये भी जिस तरीके से गुजरात चुनाव को 2024 से भी जोड़ा जा रहा है कि कहां जगह केजरीवाल गुजरात चुनाव जीतते हैं तो 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में टक्कर दे सकते हैं। देखिए मैं तो सबसे पहले यही कहूंगा कि ये जितने भी अभी हिंदुत्व के नारे लगा के यहाँ पे खड़े हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ पे एक ब्रिज बना तो ब्रिज के नीचे मंदिर तोड़ दिए गए, वो मंदिर क्यों तोड़े? उस वक्त ये लोग कहाँ थे? मैं दूसरी बात करूंगा, जब हमारा यहाँ पे दशा माँ का जो व्रत
दशा माँ का हमारा जब यहाँ पे एक प्रोग्राम चलता रहता है तो उनकी मूर्ति को विसर्जन करने की अनुमति नहीं दी थी, जब ये कहा अंधभक्त सो गए थे हिंदुत्व का वो करने वाले, तो मेरा जब वहाँ जागना चाहिए था ना, इनकी इनकी यहाँ पे भगवान गणेश जी की मूर्ति हनुमान जी की मूर्ति कचरे में फेंकी हुई थी, कहाँ थे जब इनके हिंदुत्व, कहाँ जाके सो गए थे, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चला रहे और कुछ नहीं है, इनके पास कुछ काम नहीं बचा है। लेकिन कहा जाता है कि जो हिंदू है वो भाजपा के राज में सुरक्षित है क्योंकि उनके राज में राम मंदिर बन गया, सबसे बड़ा मुद्दा ये उठा था, इसीलिए तो कठुआ हुआ था, इसीलिए तो 400 किलो RDX हिंदुस्तान में आया, उसका पता नहीं चला अभी तक, वो सुरक्षित है तभी तो बताते आया कहाँ से। लगता नहीं अमित शाह कुछ अनक के कहा जाता है, लास्ट टाइम वो खेला खेल सकते हैं। अरे वो खेला तो खेल ही रहे, ये खेला ही है ना, ये क्या है, जब यूपी में इलेक्शन था, जब बंगाल में इलेक्शन था तब भी वो कट्टरवादी को भेज के सैनिकों को मरवाया था उस टाइम भी। उनको चाणक्य मत बोलिए, उनको शकुनी मामा बोलिए, वो चाणक्य के लायक नहीं है, ठीक है। चाणक्य बहुत बड़ी बड़ी हस्ती थी और ये जो है ना शकुनी मामा है, इनको चाणक्य मत बोलिए, ठीक है। उसका पापा घोड़ा ऐसे क्या लगता है, फौज में जी फौज में गुजरात में क्या माहौल लग रहा है आपको, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी मैदान में उतर चुकी है, मोदी और केजरीवाल में सीधी सीधी टक्कर देखी जा रही है। मैं देखिए आम आदमी पार्टी सब लोगों के साथ खड़ी है, भाजपा के अंडर में ना LRD के जवान खुश है, ना पुलिस के जवान खुश है, ना कोई सरकारी कर्मचारी खुश है, ना कोई जो टीचर्स है वो कोई खुश नहीं है, और हम 17 दिन एक्स आर्मी मैन उनके गेट के ऊपर बैठे रहे और उन्होंने हमको पकड़ाया क्या, लॉलीपॉप। तो हम एक सर्विस की राज में फौज मजबूत हुआ है, ये बकवास है, ये सरेसर मतलब एकदम बकवास है। मैं फौज में नौकरी करके आया हूँ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कई बार करी है और ये सब चीजें बताने की नहीं होती है कि हमने ये करा वो करा, ये भाई साहब उसका भी मार्केटिंग करके आया है, ठीक है। तो हमें तो लगता है ना इन्होंने फौज को भी बेच दिया, ठीक है, इन्होंने फौज को भी बेच दिया। यहाँ पर जो है मोदी जी ने जो है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को बेइज्जत किया है, उनके आप देखें केस देखेंगे कितने पेंडिंग केस है, औरतों के ऊपर गैंग रेप हो रहे हैं, औरतों के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे हैं उसका कोई निकाल नहीं है आज तक के, मोदी ने कोई केस का निकाल नहीं करा, और महिलाओं को पैर की जूती से, महिलाओं को नहीं उन्होंने जनता को 15 अगस्त को, जिस दिन 15 अगस्त के दिन 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि महिलाओं को सम्मान दो महिलाओं, उसी टाइम बिल्कुल बानू के रेप केस वाले को निर्दोष छोड़ दिया सबको, तो उस दिन कहाँ गए प्रधानमंत्री, उनका तो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितनी बेटी बचाई अब तक, यूपी में जो रेप हुए हिंदू की लड़की पे जब रेप होता है तब ये कहाँ जाते, हिंदू की लड़की पे जब रेप होता है तब तो श्री राम नहीं चल रहा है। जब अभी शिक्षण की बात कर कोई करता ही नहीं है, धर्म पे आ गए, धर्म का क्या करेगी, हमें शिक्षण चाहिए, अच्छी पढ़ाई चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए, अच्छी कॉलेज चाहिए, अच्छा रोजगार चाहिए, इधर तो रोजगार की बात ही नहीं चल रही, रोड पे आ गए, लोगों के घर में खाने के पैसे नहीं है। केजरीवाल की सरकार जो है शिक्षण आरोग्य और बिजली के लिए जो जनता के लिए मूल जरूरियात है उसके लिए लड़ रही है, और ये जो मोदी जी है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व पे हिंदू और HM के मामले पे चुटनी लड़ रही है, हिंदुत्व का मुद्दा रहने वाला है नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी साहब को मैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना चाहता हूँ कि ये हिंदू का चोला पहनना छोड़ दे, 125 करोड़ हिंदुस्तानी हिंदू ही है, कोई मुसलमान नहीं है, हिंदू मुसलमान करना छोड़ दो, ये कब तक तुम्हारा हिंदू मुसलमान चलता रहेगा, हर मुसलमान हर हिंदू जागरूक हो गया है तुम्हारे ये हिंदू मुसलमान के लड़ाइयों में, अब अच्छे से और अभी कोई भी इलेक्शन में हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, कोई भी इलेक्शन। भाजपा वाले कैसे नेगेटिविटी फैलाइए, यहाँ दिखाओ, ये बोर्ड पे दिखाओ, और विकास हुआ है सिर्फ विकास, ये इनकी मानसिकता बता दी, अभी अभी बैनर ये मोदी जी की मानसिकता भी अभी लगा दिए उन्होंने बैनर, और इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, विकास हुआ है किसका हुआ है, भाजपा वालों का विकास हुआ है, आम पब्लिक को कुछ नहीं मिला है, हमारा जोश यही है कि आम पब्लिक को मिलना चाहिए, अच्छे दिन नहीं आएंगे, कोई अच्छे दिन नहीं है, अच्छे मुस्लिम करके ये दंगा करवाते हैं, देखो ये फाड़ दिया, देखो ये इनकी मानसिकता है, ये वाली इनकी मानसिकता है, ये बात बीजेपी वालों के आए हैं, बीजेपी वालों के नेताओं के वहाँ आज तक कोई भी रेड पड़ी नहीं है, जो भी इनका विरोध करता है उनके घर सिर्फ CBI बैठ जाते हैं, ED बैठ जाते हैं, सब कुछ ED के मोदी के पास है, लेकिन आम पब्लिक के पास कुछ नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, आम आदमी इनके पास सब कुछ है, कोर्ट है, ED है, सब है इनके पास, देख रहे हैं यहाँ पे
यहाँ पे जो पोस्टर लगाया गया था उसको हटाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में जिस तरीके से यहाँ पे पोस्टर लगाया गया अरविंद केजरीवाल का? देखो सबसे पहले तो ये यहाँ दंगे कराने की साजिश है और कुछ नहीं है, इसके अलावा उनको कुछ है ही नहीं। ये इन लोगों को ये प्रोपेगंडा चलाना इसीलिए है कि यहाँ आज अरविंद केजरीवाल की जो जनसभा है, जो रोड शो है, वो नाकामयाब कहीं से हो जाए, इस तरह से उनका यह संयंत्र। मोदी जी, धर्म की राजनीति छोड़ दो और ओरिजिनल राजनीति में आ जाओ। अगर तक इतनी हद तक गिर जाएंगे कि ये रैली में महिलाओं को आगे करके पत्थर मारने के तक की चीज चालू करेंगे, बड़ौदा की संस्कारी नगरी को बिगाड़ने के लिए बैठे, हम रैली निकालोगे तो आपके ऊपर पत्थर मारा होगा, आपके ऊपर कोई ना कोई हमला होगा, लेकिन इस बार हम लोग डरने वाले नहीं है। मैं महिला हूँ लेकिन मैं चैलेंज करती हूँ कि जिससे जो टूटता हो तोड़ ले, लेकिन इस बार हमारी केजरीवाल की जो यात्रा निकलेगी, तिरंगा यात्रा, वो बड़ी जोर शोर से निकलेगी और हर इंसान वहाँ गाँव गाँव का लोग आया है। बदलेगा गुजरात में की बिल्कुल बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, आम आदमी पार्टी ही आएगी इस बार, केजरीवाल की सरकार ही आएगी। मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा नाम मोहम्मद फारूक शेख है। मैं मोदी जी से कहता हूँ कि धर्म की राजनीति छोड़ो, मैं खुद मुसलमान होकर ना श्री राम को मानता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक जब मुसलमान जय श्री राम बोलता है तो मोदी जी आप समझ जाओ ये धर्म की राजनीति छोड़ दो, नहीं तो बहुत पछताने का नंबर आएगा। जब हिंदुस्तानी हर इंसान अपने हाथ में हथियार ले जाएगा, जब तुम सो जाओगे मोदी जी, अब छोड़ दो ये राजनीति, तुम धर्म की और ओरिजिनल राजनीति पर आ जाओ। तुम जब देश आजाद हुआ तो अकेले हिंदू ने नहीं आजाद करवाए, साथ में मुस्लिम और हिंदू दोनों भेगे हुए, तभी देश आजाद हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे हमने तमाम लोगों की राय ली, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल आज गुजरात के दौरे में वडोदरा के दौरे पे हैं, आने वाले कुछ देर में और दाहोद में भी उनकी रैली को संबोधित करेंगे, तो देखना काफी दिलचस्प है कि आने वाले चुनाव में क्या क्या और दिलचस्प बातें निकल के सामने आती है। आप देखें तुम्हारे चैनल की रिपोर्ट, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। जो अंधभक्त है वो उनको कह रहा है कि विकास किया हुआ है, आप बताओ मुझे कि क्या विकास किया है 27 सालों में? क्या विकास? रोड रस्ते का विकास किया है? पढ़ा शिक्षण का विकास किया है? कहाँ किया? दिल्ली में विकास बताओ, दिल्ली में विकास बताओ, अरे दिल्ली में विकास बताओ, दिल्ली में विकास बताओ। जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे दिख रहा है कि भाजपा की कुर्सी हिलने वाली है, इनकी सत्ता जाने वाली है, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो इसलिए हिंदू मुस्लिम के नाम उसके लिए, और हाँ विकास कुछ किया नहीं है उन्होंने। हमारे केजरीवाल सर जो है, आप जाओ दिल्ली का मॉडल देखो, उन्होंने शिक्षण फ्री में दिया है, उन्होंने आरोग्य, ये सब जरूरत नहीं पड़ती। अगर 27 साल में विकास किया होता तो इनको ये जरूरत ही नहीं पड़ती। आज इतने निम्न कक्षा पे ये लोग आ गए हैं, उतर गए हैं, क्या पूछूंगा? हिंदुत्व के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे ये चुटनी लड़ना चाह रहे, लेकिन इस बार जनता भाजपा सरकार हिंदू मुस्लिम करना चाहती, हिंदू मुस्लिम जनता जाग गई, जनता को गैर मार के ले जाने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा सरकार, हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। डर है भाजपा को हारने का डर है, इसलिए कांग्रेस और भाजपा मिल के आम आदमी पार्टी को आगे आने की कोशिश नहीं करने देते। ये भाजपा और ये कांग्रेस हिंदू मुस्लिम वाला करती है। देखिए जैसे मैं आपको बता दूं, इसके पहले के 27 साल आप देख लो, 27 साल में बीजेपी को हिंदू मुस्लिम के मुद्दे के अलावा और कोई मुद्दा नहीं उठाया। अभी मुद्दा उनको पता है कि इस बार केजरीवाल गुजरात में जीत रहे हैं, इसीलिए लगता है 27 साल से भाजपा राज कर रही है, उसको हरा पाएंगे अरविंद केजरीवाल? पक्का हराएंगे इस बार केजरीवाल, एक बार केजरीवाल, इस बार केजरीवाल, आम आदमी पार्टी पक्का पक्का। ये डर गई है भाजपा, डर गए आम आदमी पार्टी से। अगर इन्होंने कुछ भी यहाँ की जनता के लिए काम किया होता तो इनको इस तरह से प्रोपेगंडा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इनको कोई प्रोपेगंडा करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इनको अपने पे भरोसा होते तो आम आदमी पार्टी का विरोध नहीं करते, उनको अपने पे भरोसा उठ गया हम हारने वाले, भाजपा को भरोसा हो गया हम हारने वाले। क्या बीजेपी वाले डर गए? क्या आम आदमी पार्टी वाले डर गए? हम आम आदमी पार्टी से डर गए? बीजेपी की ताकत हिल गई है, वो धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं। अगर चुनाव लड़ना है, अगर देश का चुनाव लड़ना है तो एक साथ सामने खड़े रह के लड़ने का है। ये लोग उसको धार्मिक रूप में ले जा रहे हैं, हम लोग भी हिंदू है, हम लोग भी ब्रह्मा विष्णु महेश सबको मान रहे हैं, लेकिन हम केजरीवाल के विचार से,
और विचारधारा जो एजुकेशन और आरोग्य है उसको महत्व देते हैं, उसके हिसाब से देश का विकास हो सकता है। एक पार्टी है आम आदमी पार्टी के सर्वे धर्म को लेकर चलने वाली है। भाजपा ने आज तक हिंदू मुस्लिम किया है, कांग्रेस ने वही किया है, डर गए हैं। के बारे में मत बता रहा हूँ। हाँ, मैं SECL का अध्यक्ष हूँ और जो हमारे दिल्ली के मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम जी के बारे में बताया गया कि उन्होंने बोला कि हूँ ब्रह्मा विष्णु महेश राम और कृष्ण ने ईश्वर मानिस नहीं, तो वो ऐसी बात नहीं है, वो बौद्धिस्ट है। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञाएं बौद्ध धर्म की है उसमें एक प्रतिज्ञा ऐसी है कि मैं हिंदू धर्म को अपनाऊंगा नहीं, क्योंकि बौद्धिस्ट हिंदू नहीं है। तो उनका जब मोदी हाँ, तो वो मोदी जी को सोचना चाहिए और उनके जो भक्त यहाँ पर आ गए हैं अंधभक्त, उन लोगों को समझना चाहिए कि ये गलत है, ये गलत है। बाबा साहेब ने संविधान का अधिकार सबको दिया है। और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जो भी काम करता है संविधान के हिसाब से काम करता है, कोई बेईमानी नहीं करता। हमारी पार्टी एक ईमानदार कट्टरवादी ईमानदार पार्टी है। हम हर धर्म को सरखा मानते हैं, हमारे लिए हर धर्म सरखा है। हम लोगों ने कोई भी हिंदू और मुस्लिम के नाम पे कोई वोट नहीं करा है। ये जो पब्लिक आ रही है अपने दिल से आ रही है और केजरीवाल को एक्सेप्ट कर रही है। एक सवाल ये कि भाजपा का गढ़ माना जाता है गुजरात, तो आसानी से कैसे हरा पाएंगे? इसीलिए तो भाजपा डरती है, इसीलिए तो भाजपा वाराणसी और वडोदरा गढ़ है, इसीलिए भाजपा डरती है, इसीलिए। एक मिनट, मैं मेरा परिचय दे दूं। मैं वडोदरा लोकसभा का अध्यक्ष हूं और यहां का सौराष्ट्र में जो द्वारिका मंदिर है वो द्वारिका मंदिर का पुजारी हूं। मैं गुगड़ी ब्राह्मण हूं। मैं आम आदमी पार्टी की विचारधारा जो लोगों को बिजली मफत देने वाली बात करती है, आपके हमारे बच्चों के एजुकेशन रिगार्डिंग बात करती है, पुजारी है और हाँ जी, कह रही है कि आम आदमी पार्टी हिंदू विरोधी, आप एक पुजारी होकर क्या मानते हैं? मैं मानता हूँ कि अगर इनका अध्यक्ष किसी भाई बहन का मैरिज करवा देता है जो कृष्ण भगवान और सुभद्रा जी की मैरिज की बात करता है, तब ये हिंदू कहाँ जाते हैं? जब रामायण महाभारत मिक्स कर देते हैं तब कहाँ जाता है? तब इनको हिंदू कहा जाता है? माता को पत्नी बना दिया जाता है किसी के, तब ये धर्म कहा जाता है? अब ये होर्डिंग भाजपा वालों को उनके अध्यक्ष के विरुद्ध में लगाना चाहिए कि कृष्ण भगवान और उनकी बहन का मैरिज गिनाते हैं। यहाँ पर ये भाजपा है और हिंदू धर्म का ठेका भाजपा ने नहीं लिया, हिंदू धर्म का टेका पूरे हिंदुस्तान ने लिया हुआ है। अगर कांग्रेस का वजूद बढ़ गया तो कांग्रेस मुस्लिम पार्टी हो गई, आम आदमी पार्टी का वजूद हो गया तो आम आदमी पार्टी मुस्लिम पार्टी हो गई। अरे मेरे भाई, हम हिंदू हैं और सारे हिंदू आम आदमी पार्टी को जिता कर लाने वाले हैं। आप पे आरोप भी लग रहे हैं आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं सेंध मार रही है, भाजपा को फायदा मिल रहा है? कांग्रेस तो है ही नहीं, भाई बहन कांग्रेस यहाँ पर है, कांग्रेस और भाजपा भाई बहन है, सेटिंग है। अभी देखो गुजरात के अंदर मैडम 77 सीट कांग्रेस की थी लास्ट इलेक्शन में 70 में, हाँ तो अभी हो गई 50, तो बाकी के गए उनके गोद में बैठ गए पैसे ले लेकर, और वो पैसा है किसका? पब्लिक का, टैक्स का पैसा है। वो खरीदने के लिए पैसा आता कहाँ से? वो पैसे से ये लोग खरीदते हैं और विकास दिखा रहे हैं ये लोग, रोड रास्ता, मगर लोगों के घर में जेब में पैसा नहीं है। आज वो लोग सुसाइड कर रहे हैं लोग। ये भी जिस तरीके से गुजरात चुनाव को 2024 से भी जोड़ा जा रहा है कि कहां जगह केजरीवाल गुजरात चुनाव जीतते हैं तो 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में टक्कर दे सकते हैं। देखिए मैं तो सबसे पहले यही कहूंगा कि ये जितने भी अभी हिंदुत्व के नारे लगा के यहाँ पे खड़े हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ पे एक ब्रिज बना तो ब्रिज के नीचे मंदिर तोड़ दिए गए, वो मंदिर क्यों तोड़े? उस वक्त ये लोग कहाँ थे? मैं दूसरी बात करूंगा, जब हमारा यहाँ पे दशा माँ का जो दशा माँ का हमारा जब यहाँ पे एक प्रोग्राम चलता रहता है तो उनकी मूर्ति को विसर्जन करने की अनुमति नहीं दी थी, जब ये कहाँ अंधभक्त सो गए थे हिंदुत्व का वो करने वाले, तो मेरा जब वहाँ जागना चाहिए था ना। इनकी यहाँ पे भगवान गणेश जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति कचरे में फेंकी हुई थी, कहाँ थे जब इनका हिंदुत्व, कहाँ जाके सो गए थे? ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और कुछ नहीं है, इनके पास कुछ काम नहीं बचा है। लेकिन कहा जाता है कि जो हिंदू है वो भाजपा के राज में सुरक्षित है क्योंकि उनके राज में राम मंदिर बन गया, सबसे बड़ा मुद्दा ये उठा था। इसीलिए तो कठुआ हुआ था, इसीलिए तो
400 किलो RDX हिंदुस्तान में आया उसका पता नहीं चला अभी तक। वो सुरक्षित है तभी तो बताते, आया कहाँ से? लगता नहीं अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है, लास्ट टाइम वो खेला खेल सकते हैं। हाँ, अरे वो खेला तो खेल ही रही, ये खेला ही ना, ये क्या है? जब यूपी में इलेक्शन था, जब बंगाल में इलेक्शन था, तब भी वो कट्टरवादी को भेज के सैनिकों को मरवाया था उस टाइम भी। उनको चाणक्य मत बोलिए, उनको शकुनी मामा बोलिए, वो चाणक्य के लायक नहीं है, ठीक है? चाणक्य बहुत बड़ी बड़ी हस्ती थी, और ये जो है ना शकुनी मामा है, इनको चाणक्य मत बोलिए, ठीक है? उसका पापा घोड़ा ऐसे क्या फौज में है जी, फौज में था। गुजरात में क्या माहौल लग रहा है आपको, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी मैदान में उतर चुकी है, मोदी और केजरीवाल में सीधी सीधी टक्कर देखी जा रही है? मैं देखिए, आम आदमी पार्टी सब लोगों के साथ खड़ी है, भाजपा के अंडर में ना LRD के जवान खुश है, ना पुलिस के जवान खुश है, ना कोई सरकारी कर्मचारी खुश है, ना कोई जो टीचर्स है वो कोई खुश नहीं है। और हम 17 दिन एक्स आर्मी मैन उनके गेट के ऊपर बैठे रहे और उन्होंने हमको पकड़ाया क्या? लॉलीपॉप। तो हम एक सर्विस की राज में फौज मजबूत हुआ है, ये बकवास है, ये सर मतलब एकदम बकवास है। मैं फौज में नौकरी करके आया हूँ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कई बार करी है, और ये सब चीजें बताने की नहीं होती है कि हमने ये करा वो करा, ये भाई साहब उसका भी मार्केटिंग करके आया है, ठीक है? तो हमें तो लगता है ना, इन्होंने फौज को भी बेच दिया, ठीक है? इन्होंने फौज को भी बेच दिया। यहाँ पर जो है मोदी जी ने जो है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को बेइज्जत किया है, उनके आप देखें केस देखेंगे कितने पेंडिंग केस है, औरतों के ऊपर गैंग रेप हो रहे हैं, औरतों के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे हैं उसका कोई निकाल नहीं है आज तक के, मोदी ने कोई केस का निकाल नहीं करा, और महिलाओं को पैर की जूती सा, महिलाओं को नहीं, उन्होंने जनता को 15 अगस्त को, जिस दिन 15 अगस्त के दिन 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि महिलाओं को सम्मान दो, महिलाओं, उसी टाइम बिल्कुल बानू के रेप केस वाले को निर्दोष छोड़ दिया सबको, तो उस दिन कहाँ गए प्रधानमंत्री? उनका तो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितनी बेटी बचाई अब तक यूपी में, जो रेप हुए यूपी में, जो रेप हुए, हिंदू की लड़की पे जब रेप होता है तब ये कहाँ जाते, हिंदू की लड़की पे जब रेप होता है तब तो श्री राम नहीं चल रहा है। हाँ। जब अभी शिक्षण की बात कर कोई करता ही नहीं है। हाँ। धर्म पे आ गए, धर्म का क्या करेंगे? हाँ। हमें शिक्षण चाहिए, अच्छी पढ़ाई चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए, अच्छी वो कॉलेज चाहिए, अच्छा रोजगार चाहिए। इधर तो रोजगार की बात ही नहीं चल रही, रोड पे आ गए, लोगों के घर में खाने के पैसे नहीं है। केजरीवाल की सरकार जो है शिक्षण आरोग्य और बिजली के लिए, जो जनता के लिए मूल जरूरियात है उसके लिए लड़ रही है, और ये जो मोदी जी है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व पे, हिंदू और HM के मामले पे चुटनी लड़ रही है, हिंदुत्व का मुद्दा रहने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी साहब को मैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना चाहता हूँ कि ये हिंदू का चोला पहनना छोड़ दे, 125 करोड़ हिंदुस्तानी हिंदू ही है, कोई मुसलमान नहीं है, हिंदू मुसलमान करना छोड़ दो। ये कब तक तुम्हारा हिंदू मुसलमान चलता रहेगा? हर मुसलमान हर हिंदू जागरूक हो गया है तुम्हारे ये हिंदू मुसलमान के लड़ाइयों में, अब अच्छे से और अभी कोई भी इलेक्शन में हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, कोई भी इलेक्शन। भाजपा वाले कैसे नेगेटिविटी फैलाइए, यहाँ दिखाओ, ये बोर्ड पे दिखाओ, और विकास हुआ है सिर्फ विकास, ये इनकी मानसिकता बता दी, अभी अभी बैनर, ये मोदी जी की मानसिकता भी अभी लगा दिए उन्होंने बैनर, और इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, विकास हुआ है किसका हुआ है? भाजपा वालों का विकास हुआ है, आम पब्लिक को कुछ नहीं मिला है। हाँ। हमारा जोश यही है कि आम पब्लिक को मिलना चाहिए, अच्छे दिन नहीं आएंगे, कोई अच्छे दिन नहीं है, अच्छे मुस्लिम करके ये दंगा करवाते हैं, देखो ये फाड़ दिया, देखो ये इनकी मानसिकता है, ये वाली इनकी मानसिकता है, ये बात बीजेपी वालों के आए हैं, बीजेपी वालों के नेताओं के वहाँ आज तक कोई भी रेड पड़ी नहीं है, जो भी इनका विरोध करता है उनके घर सिर्फ CBI बैठ जाते हैं, ED बैठ जाते हैं, सब कुछ ED के मोदी के पास है, लेकिन आम पब्लिक के पास कुछ नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, आम आदमी इनके पास सब कुछ है, कोर्ट है, ED है, सब है इनके पास। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पोस्टर लगाया गया था उसको हटाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में, जिस तरीके से यहाँ पे पोस्टर लगाया गया अरविंद केजरीवाल का? देखो सबसे पहले तो ये यहाँ दंगे कराने की साजिश है और कुछ नहीं है, इसके अलावा उनको कुछ है ही नहीं, ये इन लोगों को ये प्रोपेगंडा चलाना इसीलिए है कि यहाँ आज अरविंद केजरीवाल की जो जनसभा है, जो रोड शो है, वो नाकामयाब कहीं से हो जाए, इस तरह से उनका यह संयंत्र। मोदी जी धर्म की राजनीति छोड़ दो और ओरिजिनल राजनीति में आ जाओ, अगर इतनी हद तक गिर जाएंगे कि ये रैली में महिलाओं को आगे करके पत्थर मारने के तक की
चीज चालू करेंगे बड़ोड़ा की संस्कारी नगरी को बिगाड़ने के लिए बैठे। आप रैली निकालोगे तो आपके ऊपर पत्थर मारा होगा, आपके ऊपर कोई ना कोई हमला होगा, लेकिन इस बार हम लोग डरने वाले नहीं है। मैं महिला हूँ लेकिन मैं चैलेंज करती हूँ कि जिससे जो टूटता हो तोड़ ले, लेकिन इस बार हमारी केजरीवाल की जो यात्रा निकलेगी तिरंगा यात्रा, वो बड़ी जोर शोर से निकलेगी और हर इंसान वहाँ गाँव गाँव का लोग आया है। बदलेगा गुजरात में की बिल्कुल बिल्कुल बदलेगा, आम आदमी पार्टी ही आएगी इस बार, केजरीवाल की सरकार ही आएगी। मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा नाम मोहम्मद फारूक शेख है। मैं मोदी जी से कहता हूँ कि धर्म की राजनीति छोड़ो, मैं खुद मुसलमान होकर ना श्री राम को मानता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक जब मुसलमान जय श्री राम बोलता है तो मोदी जी आप समझ जाओ ये धर्म की राजनीति छोड़ दो, नहीं तो बहुत पछताने का नंबर आएगा। जब हिंदुस्तानी हर इंसान अपने हाथ में हथियार ले जाएगा, जब तुम सो जाओगे मोदी जी, अब छोड़ दो ये राजनीति, तुम धर्म की और ओरिजिनल राजनीति पर आ जाओ। तुम जब देश आजाद हुआ तो अकेले हिंदू ने नहीं आजाद करवाया, साथ में मुस्लिम और हिंदू दोनों भेगे हुए तभी देश आजाद।